यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा Realme UI 2.0 अपडेट के बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों Realme X2, Realme X3, Realme X3 SuperZoom, Realme C12 एंड Realme C15 के लिए Realme UI 2.0 का जो अर्ली एक्सेस एप्लीकेशन है वो फाइनली लाइव हो चुका है। Realme 6 अगर आप यूज़ करते हो तो भैया मैंने Realme 6 के रिगार्डिंग एक अलग वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देता हूँ। अगर आप Realme 6 यूज़ करते हो तो जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम Realme X2, X3, X3 SuperZoom, Realme C12 और Realme C15 की रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायर्ड वर्जन की रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता दूं Realme UI 2.0 अपडेट करने से पहले आपके फोन में कौन सा वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए उसके रिगार्डिंग Realme वालों ने कुछ नहीं बताया, ठीक है। ऑफिशियल जो पोस्ट किया गया है Realme कम्युनिटी के ऊपर, उस पोस्ट में कहीं भी मेंशन है ही नहीं कि रिक्वायर्ड वर्जन मतलब Realme UI 2.0 अपडेट करने से पहले आपके फोन में कौन सा वाला वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड वर्जन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको जाना होगा आपके फोन की सेटिंग्स में, उसके बाद में आपको जाना होगा सॉफ्टवेयर अपडेट वाले इंटरफेस पे। फिर दोस्तों आपको ऊपर राइट कॉर्नर में एक छोटा सा रिंग का आइकॉन देखने को मिल जाएगा, आपको उस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जाना है ट्रायल वर्जन के अंदर, उसके बाद में आपको जाना है अर्ली एक्सेस के अंदर, और उसके बाद में आपके सामने एक फॉर्म आएगा, आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है और सिंपल से नीचे जाके अप्लाई नाउ कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ करोगे आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपके सामने आ जाएगा अंडर रिव्यू। तो अभी दोस्तों अगर आपका फॉर्म अप्रूव होता है तो आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपको जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वर्जन के बारे में ऑफिशियली Realme वालों ने कुछ नहीं बताया है, तो इस वजह से मैं भी आपको नहीं बता सकता, लेकिन फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। जल्दी से जाओ, अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। वैसे टेलीग्राम पर मैंने सबसे पहले बताया था, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि हो सकता है मतलब अगर आपका ये वाला फर्स्ट बैच मिस हो गया आपके हाथ से तो ज्वाइन कर लो यार। सबसे पहले मैं वहीं पर इंफॉर्मेशन देता हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी उस मतलब फॉर्म को लूट सको, है ना। तो सेकंड बैच थर्ड बैच वो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो यार। सबसे पहले मैं नहीं बताता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही हमेशा स्मार्ट रहिए।